यूक्रेन रूस के बीच युद्ध का 33वां दिन। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध शुरू हुए 32 दिन बीत चुके हैं। लड़ाई का 33वां दिन है, लेकिन रूस के हमले नहीं रुक रहे हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध को अब तक 46,080 सेकेंड 768 घंटे और 32 दिन हो गए हैं। इस बीच दुनिया भर के राजनेताओं और लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर करेगा, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों से और हथियारों की कमी से कहीं न कहीं यूक्रेन की हिम्मत अब टूटने लगी है। रूस जबरदस्त प्रतिरोध कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को 32 दिन हो गए हैं। कई क्षेत्रों में रूस ने हमले रोक दिए हैं। रूसी सेना का लक्ष्य जल्द से जल्द राजधानी कीव को घेरना है। हालांकि इस दौरान उसे यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की सहायता से रूसी सेना का मजबूती से सामना कर रही है। हालांकि पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद में लड़ाकू विमान शामिल नहीं है। अमेरिका के जरिए यूक्रेन को पोलैंड के विमान भेजने के प्रस्ताव को नाटो की चिंताओं के चलते खारिज कर दिया गया है। हथियारों की कमी से जूझ रहा यूक्रेन। रूस से चल रही जंग में हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से हथियार की मांग की है। इस संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उन्होंने नाटो से भी मदद मांगी है और कुछ पॉइंट पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि नाटो देश अगर अपने 1% विमान और टैंक यूक्रेन को मुहैया करा दे तो हम रूस को सबक सिखा देंगे। वैसे भी यह हथियार स्टोर में धूल खा रहे हैं। ज़ेलेंस्की बोले कि क्या सच में सब मॉस्को से डरते हैं? हम लोग 31 दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें बड़े हथियार नहीं मिले हैं। यूक्रेन को नाटो के केवल 1% विमान और उसके 1% टैंक की आवश्यकता है। नाटो देशों ने अब तक की यूक्रेन को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ साथ छोटे हथियार और सुरक्षात्मक उपकरण दिए हैं। हालांकि इन देशों ने यूक्रेन को कोई भारी हथियार या विमानों की पेशकश नहीं की है। यूरो अटलांटिक समुदाय का प्रभारी कौन है? क्या सच में सब मॉस्को से डरते हैं? नाटो देशों पर हथियार नहीं देने का लगा आरोप। उन्होंने कहा पश्चिमी देश यूक्रेन को विमान और अन्य रक्षा उपकरण प्रदान करने के मसले पर टालमटोल कर रहे हैं। दूसरी ओर रूसी मिसाइल हमले में आम नागरिक फंसे हुए हैं और मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर की घेराबंदी की और इशारा करते हुए शनिवार तड़के एक वीडियो संबंध में कहा कि मैंने आज मारियुपोल के रक्षकों की बात की। मैं निरंतर उनके संपर्क में हूँ। उनका संकल्प, वीरता और दृढ़ता अचंभित करने वाली है। चंद विमान और टैंक प्रदान करने के बारे में 31 दिन से सोच रहे हैं। उनमें उनका केवल 1% साहस है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के शहर लीव में उच्च सटीकता वाली क्रूज मिसाइलों से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूस ने एक ईंधन डिपो को निशाना बनाया है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पड़ोसी पोलैंड का दौरे पर थे। बैक टू बैक हवाई हमले ने लीव को हिलाकर रख दिया। यहाँ से करीब 2,00,000 लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। बता दें कि शुरुआत में रूस ने लीव पर कम हमले किए थे, लेकिन बीते 7 दिन से रूस अब लीव पर लगातार अटैक कर रहा है। उधर मारियुपोल के मेयर वादिम बायचेंको ने कहा कि शहर की आधी आबादी खाली हो गई है। बता दें कि यहां युद्ध से पहले 5,40,000 लोग रहते थे। रूस लीव शहर पर कर रहा है हमले। माना यह भी जा रहा है कि रूस की मंशा जंग खत्म करने की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 1 महीने से रूस लगातार यूक्रेन पर हमले करने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब पुतिन ने उत्तरी अटलांटिक में परमाणु पनडुब्बियां उतार दी, तो वहीं यूक्रेन के पश्चिमी शहर ल्यूव पर रूस की ओर से रॉकेट हमले जारी हैं, जो इस बात के संकेत हैं कि रूस देश के केवल पूर्वी हिस्से को निशाना बनाने के अपने दाव पर खरा नहीं उतरा, अब अन्य स्थानों पर भी हमला कर रहा है। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेनी शहर लीव पर एक एयर स्ट्राइक की। रूसी सेना ने क्रूज मिसाइलों से लीव को निशाना बनाया। मारियुपोल में सबसे ज्यादा बरसाई मिसाइलें। दक्षिण यूक्रेन में ओजोव सागर से सटा मारियुपोल की वो शहर है जिस पर रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं। रूस इस शहर पर कब्जा कर क्रीमिया खेरसोन को डोनबास इलाके से जोड़ना चाहता है, ताकि उसकी सेना को रसद के लिए नया रूट मिले है और यूक्रेन को ब्लैक सी से काटकर उसकी आर्थिक नाकेबंदी की जाए। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है।
हालांकि रूस दावा कर रहा है कि युद्ध के एक महीने के बाद उसने अपने मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण पूरा कर लिया और अब वो डोनबास के दोनेस्तक और लुहानसक की आजादी पर फोकस करेगा। रिवने ओब्लास्ट में तेल डिपो रूसी हमले में हुआ तबाह। रिवनो ओब्लास्ट में तेल डिपो रूसी मिसाइल हमले से पूरी तरह से खत्म हो गया है। रिवनो ओब्लास्ट के गवर्नर विटाली कोवल ने 27 मार्च को एक टीवी चैनल को बताया कि दुपनो शहर में डिपो पर 26 मार्च की स्ट्राइक के परिणाम स्वरूप कोई हताहत नहीं हुआ है। लुहानसक ओब्लास्ट पर रूस कर सकता है कब्जा। प्रॉक्सी नेता का कहना है कि लुहानसक ओब्लास्ट के हिस्सों को रूस कब्जा कर सकता है। यूक्रेन पर जैविक हथियार हासिल करने का आरोप। रूस ने यूक्रेन पर परमाणु और जैविक हथियार हासिल करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है, जिसे जेलेंस्की खारिज कर रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि एक मजाक है, हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, हमारे पास जैविक प्रयोगशालाएं और रासायनिक हथियार नहीं है, ये चीजें यूक्रेन के पास नहीं है। आखिर कितने रूसी सैनिक हुए हैं घायल। रूस के सैन्य जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ने बीते शुक्रवार जानकारी दी कि इस जंग ने अब तक 1,351 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 3,825 रूसी सैनिक घायल हुए हैं। वहीं नाटो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक महीने से चल रहे इस युद्ध में अब तक 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूसी आंकड़ों में पूर्वी यूक्रेन में लड़ रहे रूस समर्थित अलगाववादियों को शामिल नहीं किया गया है। यूक्रेन ने रूस के 16,600 जवानों को मार गिराया है। रूस कह रहा है कि जंग शुरू होने से अब तक उनके 1,351 जवान मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन की मीडिया का कहना है रूस के 16,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की एक वेबसाइट के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद से अब तक उनके 16,600 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 582 रूसी टैंक बर्बाद किए जा चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के 1,664 युद्ध पोतक वाहनों को नष्ट किया है। साथ ही अब तक रूस के 121 लड़ाकू विमान और 127 हेलीकॉप्टर गिराए जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 6 वार्ता बिंदुओं में 4 पर सहमति बनने का दावा किया है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि शांति वार्ता मंगलवार यानी 29 मार्च से शुरू होगी और बुधवार 30 मार्च को खत्म होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच 6 वार्ता बिंदुओं में से 4 पर सहमति बन गई है। इसमें यूक्रेन का नाटो में शामिल नहीं होना, यूक्रेन में रूसी भाषा का इस्तेमाल, निरस्त्रीकरण और सुरक्षा गारंटी शामिल है। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस के साथ प्रमुख बिंदुओं पर कोई सहमति नहीं बनी है। दोनों मुल्कों के बीच कई दौर की वार्ता में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।